Welcome to this math session, everyone. In last math session, we have seen various problems depends on operations on matrices, its minors and cofactors, and expansion of matrix in terms of your Saras rule or if you are expanding from any row or column. Now, we are going to see our last topic in determinant, jisme hum padhne wale hain. Just a minute. Adjoint. Exactly, adjoint define करने के लिए determinant की जरूरत है. And जो adjoint आपका define है वो एक matrix का define होता है. So it is adjoint of a matrix. एक matrix का adjoint define होने के लिए हमें determinant की जरूरत पड़ेगी. Adjoint की मदद से हम matrix का inverse define करेंगे. मैट्रिक्स का इनवर्स लास्ट टाइम जब मैट्राइसिस के 19.2 में मैंने आपको दिखाया था कि वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एज वेल एज जब उसकी डेफिनेशन बताई थी तो एक सस्पेंस मैंने बोला था, वो सस्पेंस आज ओपन होने वाला है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होता है, कैसे आपका ओपन होता है, लाइक उसको दूसरे मेथड से कैसे हम कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से हम कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं. एंड मेन वाइज समर्थ, आप जो चैट बॉक्स में मुझे पूछ रहे थे स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पे भेज दो, क्योंकि मुझे पता नहीं चला आप क्या पूछ रहे थे, कौन से फॉर्मूला x plus 1 by x to the power n और what. इसकी मदद से इसकी मदद से फिर हम डिटर्मिनेंट की आपकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं. जैसे मैट्रिसेस में हमने दो एप्लीकेशन देखी थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज वेल एज इनवर्स. इन सेम वे यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ये तीन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन. और ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट योर क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप उसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन से सॉल्व करते थे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते थे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप एक्सपांड कर रहे हो 3/3, 4/4 के लिए, तो आपका क्रैमर्स रूल होता है. एलिमिनेशन मेथड को आप एक्सपांड करते हो मैट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3/3, 4/4 में, तो वो आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, जो आपने ऑलरेडी मैट्रिसेस में पढ़ चुके हैं लास्ट में एप्लीकेशन में. नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हाउ एडजॉइंट इज डिफाइंड. इसके अलावा हम एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होते हैं, होमोजीनियस कब होंगे, नॉन होमोजीनियस कब होंगे, कंसिस्टेंट कब नहीं होंगे, उसकी कंडीशन क्या होगी, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं. एंड इसके साथ हम एक चीज देखने वाले हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स. रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपका मॉड्यूल में दिया गया है, एक आध बार शायद आ चुका है PYQ में, राइट. एंड अरिहंत में वो जो मैंने आपको बताया, मैं स्टार्टिंग में देख रहा था, बट शायद हो सकता है उसमें पीछे दिया हो, तब तक नहीं मिला है. ठीक है, तो वन बाय वन शुरू करते हैं. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. टाइम बचाने के लिए आप मेरे साथ लिख सकते हो, जब आपको अटेंशन देना हो, मतलब जब आपको पूरा सीखना हो, वो टाइम पे आपको ऐसा लग रहा हो कि लिखने में टाइम जा रहा है, तो वो टाइम पे पूरा देख लो. मैं आपको हर टॉपिक के बाद 2-2 मिनट तो दूंगा लिखने के लिए, तो जितना बाकी होगा उतना आप लिख दोगे. एंड आज हम आपका होमवर्क का असाइनमेंट भी मैं आपका क्रिएट करूंगा गूगल क्लासरूम में, एंड मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, ताकि आपको वहां पे सबमिट करना है. नाउ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझना. इफ वन मैट्रिक्स इज ए, हाउ इट्स एडजॉइंट डिफाइंड. ए में सारे एलिमेंट्स होते हैं, यू ऑलरेडी नो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. हाँ अरे चलो अब समझो, यहाँ पे सबका ध्यान इधर. नाउ कोफैक्टर एंड माइनर आपको याद है, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज MIJ, exactly not any element but minor of element AIJ.
my n cofactor of element. A I J equal to C I J. अब मैं क्या ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, समझना. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप उसमें पर्टिकुलरली हर एक एलिमेंट की पोजीशन पे उसके कोफैक्टर्स लिखते हो. ए वन वन की जगह पे उसका कोफैक्टर, ए वन टू की जगह पे उसका कोफैक्टर, ए वन थ्री की जगह पे उसका कोफैक्टर, ए टू वन की जगह पे उसका, ए टू टू की जगह पे उसका, ए टू थ्री की जगह पे उसका, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री. ये आपका हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. कैन यू सी दिस एवरीवन? कोफैक्टर मैट्रिक्स. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. राइट नाउ हाउ एडजॉइंट इज डिफाइंड, समझना. एडजॉइंट की डेफिनेशन है, एडजॉइंट का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए. समझना, आइदर आप ए का ट्रांसपोज ले रहे हो फिर उसका कोफैक्टर लिख रहे हो, या फिर आप कोफैक्टर ऑफ ए लिख रहे हो फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हो. ये दोनों चीजें आपको सेम मिलेंगी, दोनों में से जो भी प्रोसेस आप पहले कर रहे हो. तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट मिलेगा. सो एडजॉइंट ऑफ ए इन दिस केस विल बी इक्वल टू, कोफैक्टर ऑलरेडी है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो रो आपकी बन जाएगी कॉलम. सो इट विल बी योर सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, C21, C22, C23, C31, C32, C33. ये पता चला, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. यहां तक आसान है, इसमें मुझे कुछ स्क्रॉल अप करने की जरूरत है? इतना लिख दोगे आप फटाफट? ओके, अब मैं इसका एक क्वेश्चन ही ढूंढ रहा था आपको कराने के लिए, बट आपको सारे टू बाई टू वाले दिए गए हैं. ठीक है, थ्री बाई थ्री में एक शॉर्टकट भी है, जो शॉर्टकट मेरी गेट वाली बुक में लिखा है. हाँ ये सब अभिराम, जस्ट अ मिनट. मैंने हर्षा को वो एक शॉर्टकट में डाउट था. उसको मैंने कंफर्म करके दिया था. आप गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट बनाने वाले हो उसमें ड्यू डेट क्या होगा सर? ट्यूसडे, ट्यूसडे मैथ्स क्लास. ओके, ये हुआ थ्री बाई थ्री के लिए. इतना क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये चीज क्लियर हो गई? इसे एडजॉइंट कैसे निकालना है फॉर थ्री बाई थ्री. अब सपोज टू बाई टू के लिए करना होगा तो जनरली आपको टू बाई टू और थ्री बाई थ्री होंगे फॉर एनी टू बाई टू मैट्रिक्स. सपोज ए इज ए बी सी डी. ओके,
चलो अब इसके लिए कैसे निकालोगे जल्दी, ए ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज ले लो फिर कोफैक्टर निकालो, या पहले कोफैक्टर निकालो फिर ट्रांसपोज ले लो, बोलो पहले क्या करोगे? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कोफैक्टर ट्रांसपोज। सर पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है पहले ट्रांसपोज ले देते हैं, ए बी सी डी। ओके चलो अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज इट विल बी नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए, समझना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब इसके कोफैक्टर, ए का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? डी, यस और नो, विद साइन एज इट इज। सी का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? बी, बट साइन क्या आ जाएगी? माइनस, यस और नो, राइट। देन बी का कोफैक्टर आ जाएगा सी, साइन आ जाएगी माइनस, एंड बी का कोफैक्टर ए। इज दिस क्लियर? राइट। तो अगर आप 2/2 के लिए ध्यान से देखो तो क्या हुआ है, जब ए से आपको एडजॉइंट ए निकालना था 2/2 में, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया? जब ए से आपने एडजॉइंट ए निकाला तो जो आपका फ्रंट डायगोनल है उसके एलिमेंट एक्सचेंज हो गए, हाँ या ना? जो पहले फ्रंट डायगोनल में ए डी था वो अब आपका डी ए हो गया है, सो फ्रंट डायगोनल के एलिमेंट एक्सचेंज हो गए। एंड जो आपका रियर डायगोनल था, रियर डायगोनल के एलिमेंट में साइन चेंज हो गई है, वो बस आपके माइनस बी और माइनस सी हो गए हैं। सो फॉर 2/2 फ्रंट डायगोनल एलिमेंट्स आपको चेंज करने हैं, यू नीड टू चेंज और रिप्लेस फ्रंट डायगोनल एलिमेंट, एंड फॉर रियर डायगोनल एलिमेंट यू जस्ट नीड टू चेंज द साइन। दिस इज शॉर्टकट फॉर 2/2। शॉर्टकट फॉर 2/2 ये आसान है, हाँ, रिप्लेस एंड चेंज, राइट। एंड सी, जो लोग लेट ज्वाइन किए या बीच में डिस्कनेक्ट हुए थे, एक बार वापस रिवीजन, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, उसमें से पहला एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे डिफाइन है? मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर दो, फिर उसके सार भी एलिमेंट के को फैक्टर्स लिख दो उसी जगह पे, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, या फिर पहले को फैक्टर निकाल दो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप कर सकते हो। 3/3 के लिए रियल प्रोसेस मैंने दिखाई, अब ये 2/2 के लिए शॉर्टकट, अब हम 3/3 के लिए शॉर्टकट देखेंगे। तो ये पहले जल्दी लिख दो, यानी जैसे हो जाए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी अरिहंत में आपको एक शॉर्टकट दिया गया है जिसमें स्पेशल ऑथर ने लिखा है, गोयल सुपर शॉर्टकट टेक्निक, नहीं वो ये इससे भी शॉर्टकट है, राइट। वो एस के गोयल उनके ऑथर है अलजेब्रा के, तो उन्होंने लिखा है गोयल सुपर शॉर्टकट टेक्निक, उससे भी शॉर्टकट ये है। And this is not AV's super shortcut technique. ये जब मैं गेट में प्रिपेरेशन कर रहा था तो मेरे गेट के टीचर्स ने मुझे सिखाई थी, तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 2/2 का एवरीवन। यस ओवेश, अब जो ये आपने ऑब्जर्व किया इसके ऊपर हम आएंगे और डिटेल में। हाँ ये लो जितेंद्र, हेडिंग मतलब ये पूरा देखना है आपको, डू इट क्विक। चलो आगे एवरीवन। ओके नाउ, अब 3/3 का मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊं उससे पहले क्या कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहोगे, राइट, 3/3 का? क्योंकि शॉर्टकट की वैल्यू तब होगी जब पहले लॉन्ग कट से एक बार क्वेश्चन किया जाए, राइट। एंड सिंस हमें टाइम का भी ध्यान रखना है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, और तभी तो हमें पता चलेगा शॉर्टकट से राइट आंसर आ रहा है कि रॉन्ग आंसर आ रहा है। सो दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। हाँ, कोफैक्टर एलिमेंट एक बार वो दिखा दीजिए ना सर, पहला वाला। क्या दिखाऊं रोहित, पहला वाला सर, वो शॉर्टकट वाला 2/2 का? हाँ सर, 2/2 वाला। मतलब उसका आपको फॉर्मूला बुक में वापस दिखाऊं कि कोई एग्जांपल दिखाऊं? नहीं सर, समझ में आ गया, लिखना बाकी है। ठीक है, सर। तो कोफैक्टर तो एलिमेंट्स का होता है ना, तो फिर हम लोग पूरे ए मैट्रिक्स का
कैसे निकाल सकते हो? वो कोफैक्टर मैट्रिक्स है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन है? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के आप उस एलिमेंट की जगह पे रख दो, दैट इज कॉल्ड अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर? हां हो गया सर। हो गया। रोहित ने बोल दिया हो गया मतलब खत्म, समझो हो ही गया। ओके 19.4। चलो अब ए, मैं अभी आपको आसान रहे इसलिए नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं लिख रहे हैं, हम पॉजिटिव एलिमेंट्स लिख रहे हैं। 2, 4, 4, 1, 3, 3, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, यू नीड टू फाइंड दिस एडजॉइंट। चलो कैसे करेंगे? तो बोर्ड्स के लिए शॉर्टकट काम नहीं करेगा, बोर्ड्स के लिए आपको लॉन्ग कट ही करना है, राइट? तो बोर्ड्स के लिए अभी हम लॉन्ग कट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें उसका ट्रांसपोज लेना है, समझना। ये ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 1, 1, 3, 2, 4, 4, 1, 3, 3। अब सबके को फैक्टर लिखने हैं। अब समझो इधर, ये मैं आपके डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कैसे समझाता था इसके को फैक्टर कैसे लिखने हैं। एडजॉइंट ए अब यहाँ से निकलेगा, इन सबके को फैक्टर हम लिखेंगे। इन सबके को फैक्टर लिखने के लिए वो टाइम पे क्या था, कोविड सिचुएशन नहीं था, कोविड सिचुएशन नहीं था तो सब अपने घर घर पे मेहमानों को बुलाते थे कि आओ, जैसे दया बुलाती है ना जेठालाल वाले शो में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आइए पधारिए अजय देवगन जी, जो भी आते हैं उनकी पर्टिकुलरली स्वागत होता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे स्वागत करेंगे, स्वैग से करेंगे सभी मेहमानों का स्वागत। हर एक 9 पोजिशन पे 9 मेहमानों के लिए हम जगह कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन 9 मेहमानों के लिए हम स्पेशल एक खाना डिश रखेंगे अलग से, जैसे सभी जगह पे जलेबी देते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ मिठाई देते हैं। गुजरात से मैं आपके लिए खाखरा लाया था, वैसे ही गुजरात के एक शक्करपारा करके आइटम आती है, वो भी बहुत फेमस है, पता नहीं आपको पता होगा या पता नहीं। आपको पता है ऐसी एक रोम्बस टाइप की मिठाई आती है, शक्करपारा गुजराती में बोला जाता है। तो हम ये 4 पोजीशन पे शक्करपारा रख देते हैं, 1, 2, 3, 4। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, ये शक्करपारा हो गया मतलब वो मिठाई, यहाँ पे माइनस। तो हाँ, समाधि स्टलिंग कर्नाटका में भी बनता है, वेरी गुड, मेरे लिए काम आसान हो गया। तो अगर कर्नाटका में भी बनता है तो इधर हम सबको खिला सकते हैं, बट अब ये इन्हीं लोगों को मिलेगा जो ये 4 पोजीशन पे बैठेंगे। बस अब सभी जगह पे रो कॉलम हाइट कर देंगे, इधर बचेगा 4, 3, 4, 3, यहाँ पे रो कॉलम हाइट कर देंगे, इट विल बी 1, 3, 3, 3। कृष्णा पता चल रहा है ना, रो कॉलम हाइट कर देंगे अमिश, 1, 4, 3, राइट? यहाँ पे रो कॉलम हाइट कर देंगे रोहित, क्या बचेगा? 2, 1, 4, 3। यहाँ पे रो कॉलम हाइट कर देंगे, 1, 1, 3, 3। समझ रहे हो ना, इनडायरेक्टली हम को फैक्टर ही लिख रहे हैं, बट स्वैग से शक्कर पाला खिला के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। वापिस 2, 1, 4, 3, ये सेम आया, 2, 1, 4, 3, इधर इधर भी सेम। सर ये सब आप जो लिख रहे हैं वो कोफैक्टर है क्या? हाँ, ये हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर है जितेंद्र। फिर इधर 1, 2, 1, 4, यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ, राइट। अब बस हमें सिंप्लीफाई करके उनके वैल्यू लिख देने हैं, राइट, जल्दी 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 जल्दी। सो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4, 3 जा 12 माइनस 4, 3 जा 12 0, 3 माइनस 9 माइनस 6, आगे माइनस है तो प्लस 6, 4 माइनस 12 माइनस 8। हाँ यस, अभिराम इज टेलिंग सर हम कर्नाटका में शंकर पोली बोलते हैं, हाँ तो शंकर पोली रख रहे हैं हम यहाँ पे। देन 3, 2 जा 6 माइनस 4, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, आगे माइनस है प्लस 2, 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, आगे माइनस है माइनस 2, एंड 4 माइनस 2 2। हाँ एंड समर्थी स्टेलिंग सर उससे अच्छा है शक्कर पाला शक्कर पुली छोड़ो, काजू कतली रख दो, ठीक है बेस्ट, वो सबके लिए एक ही हो जाएगा। यस दैट ओनली मेथ, राइट? ओके यहाँ तक क्लियर है? जितेंद्र बोल रहा है सर उसका तीखा वाला भी बनता है, पता ही है मुझे, मैं बाहर की बात करूंगा तो उसमें सबका रिस्पांस आएगा, सब अच्छे अच्छे से रिप्लाई करेंगे, अंदर तो बोलता रहता हूँ अभी तो बोलो वीडियो ऑन करो नहीं। सानिया क्लियर है? मानसी क्लियर है? रिपर स्क्रॉल कीजिए सर। हाँ राइट, तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट मिला 3x3 का, ये आपको बोर्ड्स में अप्लाई करना है। This you have to apply in boards.
अब जेई के लिए मैं एक और शॉर्टकट दे रहा हूँ, पहले ये थ्री बाई थ्री का मैंने दिखा दिया, तो टू बाई टू का दिखाने की जरूरत नहीं है, टू बाई टू अभी आप खुद कर सकते हो, करेक्ट एवरीवन? Yes, Amish, definitely. Amish is telling, sir, हम पहले cofactor निकाले, फिर transpose कर सकते हैं, definitely. Why not? जल्दी करो, जल्दी. Speed रखनी पड़ेगी students. We need to see so many things. चलो, can we move to shortcut now? Anisha? एक मिनट बच गया. ठीक है. Yes, Rohit. Negative sign के position fix. ये वही है. Minus one to the power i plus j. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वही है राइट? हाँ सर, हो गया. हो गया, ग्रेट. चलो शॉर्टकट पहले यहां से समझाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बुक में डायरेक्ट लिखूंगा तो पता नहीं चलेगा शॉर्टकट, वहां पे कंफ्यूजन होगा. यहीं पे समझाता हूँ, फिर वहां से आप फॉर्मूला बुक में अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. शॉर्टकट निकालने के लिए एग्जैक्टली वो शॉर्टकट आपका कोफैक्टर का है राइट, तो जो आपका पहले ए ट्रांसपोज है वो तो आपको करना ही करना है. अब हर्षा को डाउट इसी में हो रहा था, ए ट्रांसपोज में, सो ए से ए ट्रांसपोज तो आपको पहले करना ही है for shortcut, and this is shortcut is valid for only 3 by 3. A से A transpose तो पहले आपको करना है. So basically this shortcut is for cofactor of matrix. Cofactor निकालने के लिए shortcut है. चलो, तो A transpose वाला जो हमारा answer आया वो मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, and उसका हम use करेंगे. ओके, अब इसका यूज करने के लिए आपको एबीसी एबीसी याद रखना है, नॉट केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, बट हमारा भाई एबीसी एबीसी. अब एबीसी को हम वापस लिखेंगे लाइक दिस मैनर, बी सी ए बी B C A B. Can you see this everyone? Right? क्या ये वर्डिंग याद रख सकते हो बस आप? A B C A B C मतलब A B C A B C तो क्लियर है, फिर उसको आप लिख रहे हो B C A B. अब समझना है B C A B का मतलब क्या है. यही सारे एलिमेंट्स मैं वापस लिख रहा हूँ, जैसे ये A रो है मेरे पास राइट. अब ये A रो में सारे एलिमेंट कौन से हैं? A रो में आपके पास सारे एलिमेंट हैं A B C. ओके, मतलब ये वाला आपका हुआ A B C. अब यहाँ पे A रो आएगी इधर, ओके, बट ए रो में अब आपको लिखना कैसे है? अब इसमें आपको लिखना है बी सी ए बी, मतलब ए समझना बी सी ए बी. बी आपका कौन सा है? टू. सी कौन सा है? वन. सॉरी, बी आपका है टू, सी आपका वन, ए क्या है आपका वन, बी सी ए बी. इज दिस क्लियर एवरीवन? जो मैंने टू वन वन टू यहाँ पे लिखा वो क्लियर हुआ? ए रो को मैंने पकड़ा, हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? ये ए रो को मैंने पकड़ा राइट, ए रो, एंड यहाँ पे ए रो का सीक्वेंस कौन सा है? सिद्धार्थ ए बी सी. मैंने उसको लिखा कैसे? जो ए वाला है वो यहाँ पे ए के नीचे वन, जो बी वाला है इधर बी के नीचे टू, फिर सी, सी आपका इधर वन और इधर आपका टू. इज दिस क्लियर? टू वन वन टू. बी सी ए बी आपको बस याद रखना पड़ेगा. ये हो गया एवरी वन.
2112 ये क्लियर है? ओके चलो समझना, ये पहले समझाने के लिए अगेन, जैसे ए आपका है 1, बी है आपका 2, सी है आपका 1, बी है अगेन आपका 2. अब समझना वापस, अब बी वाला, बी वाला अब आपके पास क्या है, 1 4 3 1 4 3 एंड बीच में आपका 4, 1 4 4 3. नेक्स्ट, अब इसी को वापस आपको रिपीट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपने बी लिखा है वही इधर बी है आपका, वो सेम एज इट इज 4 3 1 4. अब आपका सी, सी वाली रो में बी सी ए बी, सो बी सी 4 3, बी सी ए बी 3 4 4 3 3 4. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके अब समझो, बस अब आपको यहाँ पे ये अप्लाई करते जाना है, दिस 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 या फिर दिस दैट दिस दैट, जो भी बोलो या कुछ नहीं बोलो, क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस ये करते जाना है. ये करने से आपको ए ट्रांसपोज का कोफैक्टर मिल जाएगा, विच विल बी नथिंग बट एडजॉइंट. अब ये ए ट्रांसपोज नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट, और कोफैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज. 4 3 12 माइनस 4 3 12 जीरो, 3 3 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 12 माइनस 8, 4 माइनus 6 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, 3 2 6 माइनस 4 2, 3 2 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 माइनस 2 2. चलो कंपेयर योर आंसर. सर एक बार रिपीट कर सकते? व्हाई नॉट, आंसर कंपेयर करो, सेम है आया ना, राइट? ओह लाइक दैट. अभी आप ओ एक्सप्रेशन नहीं देते हो तो फिर मैं ही दे रहा हूँ. ओ तो ये आपका शॉर्टकट है, दिस इज फॉर जेई एंड दिस इज फॉर योर, दिस इज फॉर बोर्ड्स. दोनों चीजें क्लियर हो गई, राइट? अब एक बार वापस आपका रिवीजन कर रहा हूँ. हाँ ओके विवेक, नो प्रॉब्लम. अब कुछ स्टूडेंट्स को अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है शॉर्टकट, सो डोंट गो फॉर इट. अगर विवेक इज टेलिंग सर प्रीवियस वन वाला बेटर है, ये तो शॉर्टकट कंफ्यूजिंग है, तो मत करो, राइट? अगर शॉर्टकट आपको आसान लग रहा है तभी करो, समझना. दोनों चीजें आसान है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एक मिनट का फर्क पड़ेगा मैक्स टू मैक्स दोनों में, राइट? मैक्सिमम एक मिनट का. चलो, क्योंकि ए से ए ट्रांसपोज आपको करना ही है, आइदर यू आर डूइंग दिस वे और दिस वे. अब ये मेथड के लिए हमें आप क्या करना है, यहाँ पे एबीसी एबीसी, ये पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर आप आसान हो जाएगा. एबीसी एबीसी लिख के आपको बीसीएबी बीसीएबी में कन्वर्ट करना है. अब वहां पे शुरू कैसे करो, मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा बी से शुरू करो एंड बीसीएबी लिखो 4 3 1 4 4 3 1 4, वही इधर 4 3 1 4 आ जाएगा. फिर ए से लिखो 2 1 1 2, राइट? बीसीएबी 2 1 1 2 देन 2 1 1 2. ओके, फिर सी के लिए 4 3 3 4 4 3 3 4. ये जैसे आप लिख दो फिर सबने जिग जैग जिग जैग जिग जैग, जैसे आप 2x2 में करते थे, एक ही एलिमेंट दो दो बार यूज होगा. 4 3 12 माइनस 4 3 12 जीरो, 3 3 9 माइनस 3 6, 4 1 4 माइनस 3 माइनस 8, 2 3 6 माइनस 4 2, 1 1 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 1 4 माइनस 2 2. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये भी रेगुलर बुक में लिखना है. हाँ, अभी रेगुलर बुक में लिखो, ये आपका शॉर्टकट हो गया. अब इसको फॉर्मूला बुक में लिखने के लिए एक एग्जांपल तो चाहिए ही ना. हाँ सर. हाँ, सो वेदर आप फॉर्मूला बुक में लिखो रेगुलर बुक में, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, एक बार लिख दो सर. तो फॉर्मूला बुक में फिर कैसे लिखूंगा? यही सेम कॉपी पेस्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला बुक में बस लिख दो फॉर शॉर्टकट रिफर रेगुलर बुक पेज नंबर दिस. ठीक है. हाँ, तो ये करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फटाफट लिख दो. हाँ यस अभिराम, अरिहंत में भी सेम दिया है, बट अरिहंत में ये एबीसी बीसीएबी के साथ नहीं खेल रहे हैं. पहले बोल रहे हैं कि दो रो लिखो, फिर दो कॉलम लिखो, फिर उसको गायब करो, फिर ये करो. तो मेरे सर ने हमें डायरेक्टली एबीसी बीसीएबी सिखाया था, राइट? चलो, तो इसे आप जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ. तो अगर आपको शॉर्टकट अच्छा लग रहा है आप शॉर्टकट फॉलो करो, शॉर्टकट में प्रॉब्लम लग रही है आप वो वाला कंटिन्यू करो. प्रेजेंट सर. कौन प्रेजेंट बोला? रोहित, अभी एलएमएस पे सेशन तो बनाने दो. वेरी एडवांस. रोहित बोलेगा सर हम एडवांस के प्रिपरेशन करते हैं.
चलो जाए नेक्स्ट। आई थिंक लग रहा है सबका हो गया है, लिख रहे हैं सर। ओके ओके एक मिनट सर। जितेंद्र इज आस्किंग सर कि आपके सर गुजराती में पढ़ाते थे या इंग्लिश। जितेंद्र गेट की तैयारी इंग्लिश में ही होती है, तो गेट वाले सर ने मुझे सिखाया था तो इंग्लिश में था। 11th 12th में गुजराती में पढ़ा हूँ पूरा, तो गुजराती में अभी जैसे कुछ एडजॉइंट है तो उसको एडजॉइंट ही बोला जाता है। कोफैक्ट नहीं, सह अवयज श्रेणिक, ये उसका गुजराती नाम है, सह अवयज श्रेणिक। मैट्रिसेस को बोलते थे श्रेणिक। ये क्या था सर? ये गुजराती नाम था जितेंद्र की फरमाइश पे, जैसे वो रेडियो पे अलग अलग लोग अपनी फरमाइश देते हैं ना, यहाँ पे जितेंद्र की फरमाइश आई सर गुजराती में क्या बोलेंगे, सह अवयज श्रेणिक, एडजॉइंट का गुजराती नाम। इसीलिए तो मैं उसको वो कर पाया था। ट्रांसलेट कर पाया था गुजराती मीडियम के लिए क्रैश कोर्स की टाटा मैग्रोइल की बुक को। ठीक है समर्थ, सेलिंग बहुत टाइम से स्टोरी नहीं हुआ है। ओके समर्थ, चलो मीत इज टेलिंग एचसीएफ एलसीएम, मतलब एचसीएफ एलसीएम का आप गुजराती पूछ रहे हो मीत, आपको नहीं पता है मीत। गुसा अ लसा अ, एचसीएफ मींस गुरुत्तम सामान्य अवयव, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लसा मींस लघुत्तम सामान्य अवयवी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा है। हाँ यस मीत पता है, बट क्या मीत फुल फॉर्म पता था? हाँ वो अवयवी होता है वो भी पता था, क्योंकि गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स को जितना मैं पूछ रहा था वो दोनों में अवयव अवयवी बोलते थे, मतलब अवयवी नहीं बोलते थे। चलो डू इट क्विकली, डू इट क्विकली, होप अभी हो गया होगा। चलो अटेंडेंस, रोहित ने तो ऑलरेडी बोल दिया ही इज प्रेजेंट। जितेंद्र